बेलगांव अपनी 2 दिन की शानदार यात्रा के बाद अब हम जा रहे हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग बेलगांव से 160 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि अगर आप इतनी लंबी यात्रा पे कश्मीर के किसी भी हिस्से में जा रहे हैं तो सुबह जल्दी निकलिए, क्योंकि फिर वो कानवाई लग जाती है 9 बजे के बाद और फिर वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो एक साथ ट्रैफिक निकालते हैं, आर्मी का जो कारवा जाता है तो इसलिए वो ट्रैफिक रोक देते हैं और फिर बाकी का उनका वो सबसे पहले कारवा निकलता है। तो आप कोशिश करिए 9 बजे से नहीं पहले आप यहाँ से निकल जाएं। एक चीज़ जो ज़रूर मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ से श्रीनगर 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर श्रीनगर के बाद 60 किलोमीटर वहाँ से गुलमर्ग है, तो करीब करीब 4.5 घंटे का रास्ता है। तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ चलिए, भरपूर तरीके से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आप अपना सफ़र स्टार्ट कीजिए। पहलगांव में हमारे 2 दिन बहुत ही शानदार बीते और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोज़ भी पसंद आ रही होंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। ये पहाड़ों में चलने के लिए आपको चाहिए एक गमसूज, इसके बगैर आप एक कदम भी नहीं चला सकते। देखिए कितनी बर्फ़ चारों तरफ। तो मैं जा रहा हूँ गंडोला राइड के लिए और आप देखिए यहाँ रास्ता देखिए, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। गंडोला राइड गुलमर्ग में सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है, 5 बजे तक गंडोला राइड चलती है। तो अगर आप आ रहे हैं श्रीनगर से तो जल्दी आ जाएं, थोड़ा जल्दी निकलें तो ट्रैफिक जो उसको भी अवॉइड कर पाएंगे और टाइम से यहाँ आ जाएंगे। गंडोला राइड के जो प्राइस हैं, यहाँ पे 2 स्टेज हैं। स्टेज फर्स्ट पे ले जाते हैं वो, उसके प्राइस हैं 700 रुपये, और सेकंड स्टेज पे ले जाते हैं जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके प्राइस हैं 900 रुपये। गंडोला राइड स्टार्ट हुई गुलमर्ग में 2005 में एक फ्रेंच कंपनी ने J&K सरकार के साथ मिलके उनका जॉइंट वेंचर था गंडोला बनाई, गंडोला राइड, और तब से वो चल रही है। 600 लोगों को 1 घंटे के अंदर वो ऊपर लेके जाते हैं, ये एवरेज है। तकरीबन 600 लोग 1 घंटे में इस गंडोला राइड को यूज़ करते हैं और 700 रुपये टिकट है फर्स्ट स्टेज की, सेकंड की टिकट है 900 रुपये, और 9 मिनट की राइड है पहली वाली जो कि फर्स्ट स्टेज पर जाती है और 3 मिनट की सेकेंड वाली है। टाइमिंग मैंने आपको बता दी 10 से 5, हाईली रिकमेंडेड, गंडोला राइड जरूर करनी चाहिए। आप देखिए, आप ये मार्च का महीना है और मार्च और अप्रैल में यहाँ काफ़ी बर्फ़ रहती है, तो मिड मार्च है जब मैं यहाँ पे हूँ और मिड अप्रैल तक इसी तरह से बर्फ़ रहेगी, उसके बाद बर्फ़ फिर ऊपर पहाड़ी पे रहेगी जहाँ आप गंडोला ले जाती है और वहाँ भी जून तक बर्फ़ रहती है। 6 लोग के गंडोला में एक बार में बैठ सकते हैं। देखिए घरों के ऊपर भी बहुत मोटी बर्फ की परत जमी हुई है यहाँ। बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ।
गंडोला राइड की फर्स्ट स्टेज पे जब आते हैं आप, तो यहाँ से इस तरह का दिखाई दे, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इसके ठीक बाद हम जा रहे हैं सेकंड स्टेज पे, और वहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़ है।